पक चुके हैं। ब्लैंक ज्ञापन थी, ब्लैंक ज्ञापन है। हम ही लेटर पैड पे रखेंगे कि ज्ञापन दे पावे। हमें हरीश रावत जी के एजेंडे को अमल में लाकर और इनकी नीतियों को बता रहे हैं जनता को। अभी 2024 की है, ये हमारे नौजवान साथी जो बेरोजगार साथी है इनकी उम्र निकल रही है। ये छोटी बात नहीं उम्र निकलना, साथियों एक दिन में आप जो है नाकारा हो जाओगे, कहेंगे आपकी तो उम्र ज्यादा होगी, एक दिन आप आ जाओगे, आपको तो सालों पीछे कर दिया, आपका पैसा बर्बाद हो रहा, आपका समय बर्बाद हो रहा। तो इसके लिए हमें हरीश रावत जी के नेतृत्व में एक संघर्ष करना पड़ेगा, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं परीक्षा लीक पेपर मामला है, रोज लीक होता है, यही चक्कर होता है कि हमारी परीक्षा भी लीक हमेशा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 5 साल में अपर पीसीएस की परीक्षा कराई गई, 7 बार रिजल्ट आउट किया गया। और जिन लोगों का रिजल्ट आउट होता है उसको पता लगता है तुझे 2 महीने 3 महीने या 4 दिन में 5 में परीक्षा दे दी है। अब पता चलता है कि वो परीक्षा जिसके प्रश्न पत्र को होल्ड करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी संजीव चतुर्वेदी जी गिरफ्तार हो जाते हैं पेपर लीक मामले में। तो हम कैसे मान लें कि हमारे पेपर लीक नहीं हुए? हमें ये शक है। हमारा सिर्फ सरकार से ये कहना है, आपसे ये कहना है कि जब तक इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच ना हो जाए उच्च स्तरीय, एक एक जो भी सस्पेक्टेड है वो गिरफ्तार ना हो जाए, जो जो इस प्रकरण में शामिल है वो तब तक पूरे गिरफ्तार ना हो तब तक इस परीक्षा को होल्ड किया जाना चाहिए, प्रश्न पत्र को दोबारा बनाया जाना चाहिए और जो मानसिक तनाव हम झेल रहे हैं उससे मुक्त होकर के परीक्षा दें, ताकि 5 साल में हम प्रश्न पत्र को दोबारा बनवाए। हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये अभी नए बने, लेकिन जो लास्ट में जो पिछले पेपर बने हुए से तैयार रेडी है उनको पहले सार्वजनिक करें, अपने साइड पे उनको सार्वजनिक करें, तब जाके नए पेपर सेट करके फिर हमारा एग्जाम करवाएं। सर पुराने पेपर को तो इतनी जल्दी से नया क्या हुआ 5 साल से इंतजार करके। सर हम ये चाहते हैं कि आप हमारी आवाज को मुख्यमंत्री जी को लिख करके एक अपने लेटर के माध्यम से लेटर बनवा लो, उनसे बैठ जाओ, बनवा लो, जैसे बनवाना मैं लेटर भेज दूंगा उनको, व्हाट्सएप करके उनसे बात कर लूंगा आपकी तरफ देख रहे हैं, इस जिले के पूरे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। यार देखो ऐसा है ना, दिक्कत क्या है कि सरकारें जो है ना वो इतनी अंधी होती है, आप इनके आगे कितना शोर मचा लो, कितना ही उनके सामने नाच कर दो, उन्हें दिखता नहीं। एक मामला नहीं है, 50 मामले हैं। फिर लोग कहते हैं उमेश कुमार बोल रहे, मैं कितना बोलूं, बोलते बोलते मैं थक गया, और फिर जब मैं बोलता हूँ झगड़ा मुझे लेना पड़ता है, फिर पीछे से सब भाग जाते हैं। समस्या एक थोड़ी है मेरे साथ भी, तो जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। आज 20 साल हो गए, 22 साल हमको लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते, जेल हम जाएं, CBI हम झेलें, ED हम झेलें, मुकदमे हम झेलें, और फिर एंड में आके वही ढाके तीन बार। लेकिन कोई बात नहीं भाई, ऐसा है हमारा अपना कर्म है, हम उसे करते रहेंगे जो हमें करना है जब तक। जी सर आप करवाओ, बल्कि मैंने तो एक्सटेंशन का टाइम भी मैंने ही कराया था इसका। जी, लास्ट टाइम में आपने शुरुआत की थी तभी वो बात चली थी। कोई बात आवाज उठाई ना। खानपुर विधायक उमेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पर, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, प्लेन ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे आज ये अपना दुख दर्द लेकर? देखिए इस राज्य की स्थापना कुछ सपनों को लेकर हुई थी, लोगों का मानना था कि अपना राज्य होगा अपने। हाँ